नमस्कार। आज हमारे साथ है जाने माने कलाकार नर्तक लखनऊ घराना के कलका बिंदादिन फैमिली से ताल्लुक रखते हुए पंडित किशन महान मिश्रा जी, जिन्होंने एक गुरु भी है और कितना अच्छा कलाकार और कितना अच्छा कोरियोग्राफी करते हैं इसके बारे में विचार करना मेरे लिए वो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है। और आज जिस कारण उन्होंने अपना समय दिया, क्योंकि मैं जो एक डिस्कशन सेशन चालू किए है जिनका नाम स्पिरेशन एंड इट्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ मेल डांसर इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। ये नाम एक चुना क्योंकि ये विषय ऐसा है, ये कोई लड़का या लड़की के बारे में है नहीं, क्योंकि ये कोई भी कलाकार के जीवन में वो कैसे अपना जीवन को आगे बढ़ाए और उसमें वो एज अ कलाकार वो अपने आप को एस्टैब्लिश करे और उसमें बने रहे। और इसके लिए जैसे कि हमारा सोसाइटी है, इसमें तो हमारा दिमागी तौर पे कुछ सेटअप रहता है कि ये जैसे कि खेल ये सब लड़कियों लड़कों के लिए है, डांस या मतलब ये सब लड़कियों के लिए है, पर ये तो है नहीं। कोई भी इंसान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो जिसमें उनको आनंद मिलता है उसको वही करने से अपना जीवन में वो सफल भी होते हैं और आनंद लेते हैं। तो पर और सोसाइटी में ऐसा भी है कि लड़कों को कुछ ना कुछ कमाना पड़ता ही है। आज भी हमारा सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि कोई लड़का कुछ काम बहुत प्यार से करे, बहुत अच्छा करे, पर उसको कमाई अगर नहीं है तो चाहे वो फैमिली से हो या समाज से हो उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है ताकि आने वाले पीढ़ियों को थोड़ा जानकारी मिले और उनका समझ आए कि इन सब गुरुओं ने, इन सब हमारे जो सीनियर्स है, जो बुजुर्ग है, वो कैसे अपना जीवन को आगे बढ़ाया और एक मकाम पर लेके गए, और ताकि हम जब दुविधा में पड़ जाए तो इनके दिए हुए जो दिशा है इसमें हम चल सके और अपने जीवन को, अपने कला को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। तो प्रणाम, बहुत 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 अच्छा विषय लिया है, बहुत अच्छा विषय लिया है, बहुत बहुत बधाई हो मुझे याद करने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा शांत रहता हूँ, अपना काम करता हूँ, साइड में रहता हूँ, चुपचाप रहता हूँ, देखता रहता हूँ। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा। हाँ 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 हाँ, अब आ रही आवाज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा विषय है, और अगला सवाल आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? पहले तो ये पूछूंगा कि आपका बचपन से लेके ये जो जर्नी है ये कैसा था, तो इसके बारे में अगर थोड़ा बोलेंगे। मैं शुरुआत अपनी जर्नी से करता हूँ कि मेरी जो शिक्षा मेरे गुरु शंभू महाराज जी, मेरे पिता से शुरू हुई, तब मेरी उम्र 6.5 या 7 साल की थी। लेकिन घर में माहौल था गाने बजाने का, डांस का, क्योंकि मेरे पिता गायक भी थे, तबला वादक भी थे, और गुरु तो खैर थे ही, तो घर में कक्षाएं चलती रहती थी, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं था इस जगत में आने का। लेकिन उसके पीछे कारण यह था कि पता नहीं क्यों पिताजी ने एक बार कहा कि अगर ये लड़का नहीं करेगा तो खानदान का नाम कैसे चलेगा। तो उस चक्कर में मेरे को बहुत डांट पड़ती थी, काफी अच्छी अच्छी बातें सुनाई पड़ती थी पिताजी से, मार पड़ती थी, क्योंकि बगैर मार खाए कोई शिक्षा पूर्ण नहीं होती। जब तक गुरु की लात और थप्पड़ ना पड़े उसको आशीर्वाद के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो उस वक्त एक बच्ची थी जो पिताजी से सीख रही थी, कर्नल की बेटी थी, उसका नाम था डोला, बहुत तैयार नाचती थी। तो पिताजी ने एक बार मुझे कहा कि देख, इसको देख, ये भी तेरे से थोड़ी उम्र में बड़ी, कैसा तैयार नाच रही, और एक तू है। तो मुझे बहुत जलील किया। तो जब जलील किया तो किसी भी चीज को अगर आप बार बार टोकोगे तो एक बार उसको गुस्सा जरूर आता है। तो शायद उस बचपने में गुस्सा था या जिद थी, क्या था,
बस मैं शुरू हो गया। मैं पिताजी से मैंने कहा कि अब मेरे पैर में अब बंधु बांध दो। तो बड़े खुश हुए, तो उनको ये भी लगा कि ये कहीं नौटंकी तो नहीं कर रहा है मुझे खुश करने के लिए। नहीं, पर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कसम दिलवाई। कसम देने के बाद घुंघरू बांधा, तो जो 3 साल की उस बच्ची की तालीम थी मैं 6 महीने में पूरा उठा लिया। तब पिताजी को विश्वास हुआ कि हाँ ये कुछ करेगा। तब से मेरी जर्नी ता और थेई थेई तत् का जो गुरु मंत्र है, जो जाप है, वो मेरा शुरू हुआ। और आज 65 साल की उम्र में भी उस मंत्र को लेके जाप करता हुआ मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। रही बात कठिनाइयों की, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे उठ के गिरना, गिर के उठना और संभल के चलना। हर एक की जिंदगी में है उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा। खासतौर पे हमारे नृत्य के फील्ड में, क्योंकि कथक तो वो है शुरू से, महिलाएं तो बाद में आई हैं मंच पे। पहले महिलाएं थी, दूसरे टाइप की थी, उनकी शिक्षा दीक्षा हुआ करती थी, गुरु लोग जाते थे, सिखाते थे, आते थे। लेकिन मंच पे काफी अरसे के बाद ये आया, जहां तक मुझे लग रहा है कि मैडम मैन का जो नाम सुना है मैंने, मैडम मैन का जी, सितारा जी, सितारा देवी जी, अलकनंदा जी, तारा जी, रोशन कुमारी जी, देवंती जोशी जी, इन लोगों ने मंच पे आके महिलाओं का, मैं कहूंगा, हौसला बढ़वाया। बिल्कुल, ताकि आए। तो अगर आप पुराने हमारे इन नृत्यांगनाओं को देखेंगे तो उनका नृत्य पुरुष प्रधान था, उनके अंदर पुरुष प्रधान का नृत्य दिखता था, क्योंकि पुरुष प्रधान है। जहां नायिकाएं आ जाती थी, सॉफ्टनेस आ जाती थी, वहां उनका खुद का अपना स्वभाव आ जाता था। तो इस प्रकार से मंच पे आते रहे। मेरी जो प्रोग्राम है, 8 साल की उम्र में मैंने पहला परफॉर्मेंस पिताजी के साथ किया था हैदराबाद में, ऑल इंडिया म्यूजिक डांस फेस्टिवल था 64 में, या 64 या 63, तब मेरी उम्र 8 साल के करीब थी। तो वहां से मुझे गोल्ड मेडल मिला पहला। पिताजी का भाव था, वो जहां जाते थे मुझे नचाते थे कि भाई ये मेरी औलाद है, ये कल को यही खानदान का नाम लेके चलेगा। तो उस नाते मुझे करवाते थे भीमसेन जोशी जी के, गुरु जी के सवाई गंधर्व प्रोग्राम में भी, श्यामदा प्रसाद जी तबले पर पहली बार। मैं बच्चा, कहां श्यामदा प्रसाद जी, कहां मैं, लेकिन एक जोश था उस वक्त से ही, कुछ दिमाग में मुंह निकल जाना, अनाघात आना, ये करना। तो एक कुछ करते हुए मैं, श्यामदा प्रसाद जी ने पिताजी को बोला, अमा यार तुम्हारा ये बच्चा तो कमाल है, बोला मुझे झपकी दे गया। तो पिताजी ने कहा, भाई अब सुनो बुद्धि महाराज, सांप का बेटा है, सपोला है, उसको चलना नहीं सिखाया जाता, उसके खून में है तो वो चीजें तो आएंगी ही। लेकिन ये जर्नी चलती जा रही है, जब तक पिताजी का साया रहा तब तक बिंदास थे, क्योंकि बाप का साया सर पे था। पिताजी के, पिताजी एक ही बात कहते थे मुझे कि बेटा कभी ये मत सोचना कि तुम बड़े बाप के बेटे हो, थाली तुम्हारे सामने लग के आ जाएगी, तुम खा लोगे। कभी ये मत सोचना कि फ्रीलांस में तुम्हें जिंदगी तुम्हारी कट जाएगी, चाहे 50 रुपए की नौकरी हो, करना जरूर, क्योंकि हमारे फील्ड में बहुत उतार चढ़ाव है। रातों रात स्टार बन गए और दूसरे दिन आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है, तो कम से कम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आपको महीने में पैसे आ रहे हैं। तो यही विचार करके पिताजी के 70 में देहांत हुआ, सन 70 में, सन 70 से लेके सन 76 तक बहुत कष्ट उठा, बहुत कष्ट उठाया कभी कभी। उम्र कितना था, तो मतलब जब उनका ये जब डेथ हुई, तो मैं 13 साल, 13-14 के बीच में, 6-7, मतलब 19-20 तक, वो जो जर्नी। तो उस वक्त तो मुझे फील्ड के बारे में पता भी नहीं था, इतनी समझ भी नहीं थी,
तो बहुत कष्ट हुआ है। मैंने हर तरह का काम किया, हर तरह का काम किया, जिसको बोलते हैं कि वो बंगला में बोलते हैं चंडी पाठ, क्या वो ऊपर तक क्या बोलते हैं उसको, चंडी पाठ, हां सब मतलब पूरा एकदम टॉप टू बॉटम पूरा এরকম কাজ করেছে। तो मतलब वो सब क्या डांस ओरिएंटेड था काम, या मतलब नहीं सब मतलब डांस के अलावा भी दूसरा काम भी किए थे उस टाइम? दूसरा काम, मेरी शिक्षा पिताजी के जाने के बाद महाराज जी, बिरजू महाराज जी से मेरे भाई, मेरे गुरु, मेरे पिता हुए, उन्होंने संभाला, उनसे मेरी शिक्षा भी चलती थी, लेकिन दो वक्त की रोटी के लिए कुछ काम भी करना पड़ता था, तो वही हर तरह का काम किया, उसको कहना ठीक भी नहीं लगता है। बच्चों मतलब जो आगे आने वाले पीढ़ी, क्योंकि कभी ये जानने के लिए कि वो क्या डांस ओरिएंटेड था या डांस के अलावा दूसरा कुछ काम जो कि डांस से रिलेटेड के अलावा था। हाँ, डांस के अलावा काम, ठीक है ये जानने के अलावा, नहीं ये जानने के, हाँ, दिन में मेरी शिक्षा चलती थी महाराज जी के पास, भैया के पास, वहां पे 4-5 घंटे करना, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद मेरे परिवार में 5 लोग थे, घर का बड़ा मैं था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आ गई। और उस उम्र में 13-14 साल में, 13-14 साल की उम्र में, और ये ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, हर एक विद्वान कलाकार के जाने के बाद उसके परिवार में संकट आता ही है। वो इसलिए आता है, जो मेरा सोचना है कि जब तक गुरुओं का साया, पिता का साया रहता है, तो औलादें निश्चिंत रहती हैं, अरे ठीक है बाप तो है ही, लेकिन ये सोच गलत है, ये कभी नहीं होना चाहिए। आजकल के जनरेशन को मैं ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी आप किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए, आप अपने बारे में सोचिए, अपने लक्ष्य को सोचिए, आज में लोग हैं कल नहीं, आप क्या करेंगे? बिल्कुल, जब अचानक पहाड़ टूटेगा तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों को देखा है, किस्मत अच्छी थी, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को देखा मैंने, आपके सिद्धेश्वरी जी से तो मैंने गाना भी सीखा 3 साल, है ना, आपके हाफिज अली खान साहब, अमजद अली खान साहब के वालिद साहब, उनके भी दर्शन हुए मुझे, ऐसे कई गुरु लोग हैं जिनको, इवन कि मैंने सुंदर प्रसाद जी को देखा, नारायण प्रसाद जी को भी देखा, कुतला जी को भी देखा, उनके काम को, उस जमाने में यह था कि घराने की बात नहीं होती थी, जिससे जो मिल रहा है ले लो आशीर्वाद के तौर पे और उसको गुरु मान लो, लेकिन आजकल के वक्त, हाँ बोलिए, आजकल के वक्त में ये चीज नहीं है। हाँ बोलो। हाँ, नहीं मैं ये पूछ रहा था कि आप महाराज जी के पास जब सीखते थे वो क्या कथक केंद्र में ही थे या उन दूसरी जगह? मतलब मैं जब महाराज जी के पास आया तब कथक केंद्र बन चुका था, कथक केंद्र की शुरुआत 1964 में हो चुकी थी। ओके। उससे पहले श्रीराम भारती कला केंद्र था, फिर भारती कला केंद्र और कथक केंद्र मर्ज हुआ, फिर 64 में कथक केंद्र टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में चला गया। ओके। और 70 के बाद से मैं महाराज जी के पास ही सीखा। तो आप कथक केंद्र कब ज्वाइन किए? हाँ मैं बताता हूँ, तो ऐसे ही अचानक पता चला कि कथक केंद्र में बैले डांसर बोलते थे, बैले डांसर, मुझे पता भी नहीं था कि बैले डांसर होता क्या है, तो इतना पता था कि हमारे सीनियर प्रताप पवार जी, तीरथ अजवानी जी, प्रदीप शंकर जी, भारती गुप्ता जी, ये सब हमारे सीनियर उस वक्त जिनके सामने मैं बड़ा हुआ हूँ, वो लोग करते थे और उनके प्रोडक्शन हुआ करते थे, डांस के आइटम, बैले जो महाराज जी ने बनाए, तो मैं इंटरव्यू देने चला गया और तब मैं बिल्कुल अभी जितना दिख रहा हूँ इसका मैं 1/4 मेरा शरीर था, तो नीचे पैडिंग वगैरह लगा के इंटरव्यू देने गया, अब यहां से तो चौड़े हो गए, फेस तो पतले ही था, खैर इंटरव्यू मेरा हुआ, उम्मीद नहीं थी। हाँ इंटरव्यू के समय मैंने सिर्फ एक ही बात अपने गुरु महाराज जी को कहा था कि आप अपने निवास पे अपने कमरे में स्थान में आप बैठें, मेरा ये इंटरव्यू हो जाए फिर आप जरूर पधारें। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, कोई ये ना कहे
कि इनके भाई बैठे थे इसलिए हो गया, ये भी उस वक्त का एक था। तो मेरा इंटरव्यू करीब 1.25 घंटे हुआ, मुझे स्टोरी दे दी। आजकल तो बैले डांसर बने फुरफुर फुरफुर नाच लो, इधर से निकल के उधर निकल जाओ। बैले क्या है किसी को पता ही नहीं है, पैटर्न बनाते हैं लोग। बैले के लिए बड़ा दिमाग चाहिए, स्टोरी होती है उसमें। मेरे को 23 साल की उम्र में 95 साल के कैगोन मिला, रायचंद का करेक्टर मिला था, जिसमें मुझे टोटल 90 साल का बुढ़ा बनना था। उसके लिए मैंने जो मेहनत की, वहां से तो मेरी जर्नी शुरू हुई महाराज जी के साथ प्रोडक्शन में काम करने की। और हमारे सीनियर जो थे उन्होंने मेरी मदद की, मैंने उन लोगों से तीरथ भाई से मेंटेन होता है कैसे परफॉर्मेंस से पहले स्टेज पे क्या होना चाहिए। प्रदीप शंकर जी से मैंने कॉमेडी सीखी, एक्टिंग सीखी, मुझे कॉमेडी का बहुत शौक है, मैं बहुत अच्छी नकल उतारता हूँ। लेकिन अपनी अपनी शौक होती है ना, तो वहां से काफी कुछ मैं सीख सीख के तो 1976 में मुझे 6 महीने के लिए एडॉप्ट पे कथक केंद्र में रखा गया। तब ये था कि परमानेंट नहीं करेंगे, आर्टिस्ट मोटा हो गया, लंगड़ा हो गया, गिर गया, तो उसको पालेंगे नहीं, उसको हटा देंगे। तो मैंने करीब 22 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कथक केंद्र में काम किया, 22 ईयर्स मैंने ये कहना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट पे। मैंने कोई श्योरिटी नहीं थी कि यार नौकरी है कल नहीं है, तो कभी 3 महीने एक्सटेंड होता था, कभी 1 साल होता था, कभी 6 महीने होता था। ऐसे करते करते 2005 में मुझे गुरु 2005 आप परमानेंट हुए एज ए प्रोडक्शन आर्टिस्ट, बैले आर्टिस्ट, क्योंकि 76 में लगा था, लेकिन टीचिंग में मैं आ गया था 92 में, क्योंकि हमारी एक सीनियर चले गए थे बाहर ICCR के जॉब में, तो उनकी जगह मुझे दिया गया कि आप इस क्लास को लीजिए। तो बेसिकली 92 से मेरे पास टीचिंग शुरू हुआ, तो मुझे उतना एक्सपीरियंस था नहीं टीचिंग का, जो सही बात है, और मुझे सत्य बोलने में कोई घबराहट नहीं है ना। धीरे धीरे मेरे पास जब मैं वहां पहुंचा तो कम से कम 35 या 40 बांग्लादेश के स्टूडेंट थे, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा बंगला बोलता था, खूब भले ही बांग्ला बोले, तो वही जन डायरेक्टर कथक केंद्र उस समय जीवन पाणी जी छिले, उन्हीं आके शिफ्ट करे दिन, कारण हम दो जगह काज करता हूँ, टीचिंग को करता हाफ डे और हाफ डे प्रोडक्शन है। তারপরে মহারাজ জি রিটায়ারমেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে প্রোডাকশন ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে, তো আমি কন্টিনিউ টিচিং এ চলে আসলাম। ওকে, করতে 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 এই 92 থেকে 2014 অবধি আমি কথা কেন্দ্রে অ্যাজ এ গুরু, সিনিয়র গুরু কাজ করেছি। তো নেই মানে ইসে মতলব মানে ইয়ে সমঝনা চাহ রহা হুঁ আর সবকো মানে ইয়ে বলুঙ্গা কি एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हुए इतना अच्छा कलाकार जो कि जिनको सबको पता है, फिर भी कि उनका कितना पेशेंस है और कितना धैर्यत है कि ताकि वो कथक में कैसे उनका एंट्री हुआ और फिर कैसे कैसे अनिश्चित है, क्योंकि कभी 3 महीना, कभी 6 महीने, कभी मतलब 1 साल की एक्सटेंशन होते होते फिर जाके वो अपना जो मकाम, जो मतलब अपने मकाम पे पहुंचे। तो ये सीखने का है कि मेरे लिए ये एक दृष्टांत है कि कैसे कैसे पेशेंस रखते हुए एक स्टेप कभी आगे कभी पीछे। तो मेरे ख्याल से ये भी इनके साथ भी हो चुके होंगे कि कभी 1 साल की एक्सटेंशन हुआ, दूसरे बार 3 महीने की एक्सटेंशन हुआ, फिर 6 महीने का एक्सटेंशन, मतलब ये आगे पीछे जो जर्नी है। तो उसमें ये आप सोच सकते हैं कि 3 महीने के बाद टेंशन होती थी कि हम रहेंगे या हार जाएंगे। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ, पर उसके लिए बस मतलब अपना संतुलन बना रखना चाहिए, क्योंकि आखिर में आके उन्होंने ऐसे गुरु रिटायर किए हैं, तो ये सीनियर गुरु, टॉप मोस्ट गुरु। हाँ, ये सब गुरु का, माँ बाप का आशीर्वाद है, अपने काम पे विश्वास है, बस बगैर किसी अप्रोच के मैं भगवान रास्ता दिखाते गए, गुरु रास्ता दिखाते गए और मैं चलता गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है सब उनके वजह से है, और
मैं किस्मत वाला हूँ कि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म भी नाग पंचमी के दिन है। हाँ, सावन की नाग पंचमी। नहीं नहीं वो तो, और हम सब खुशनसीब है कि हम भी इस जमाने में जन्म लिए, ताकि मतलब महाराज जी जैसे और आप सब, मतलब इस एक माहौल बन चुका है अभी, कथक का एक माहौल बन चुका है अभी। जैसे कि हाँ ये भी सही है, क्योंकि कथक केंद्र जैसा इंस्टीट्यूशन, मतलब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम है, जैसे दिल्ली में है या लखनऊ में है, जयपुर में है, ये दो तीन जगह पे है, और यूनिवर्सिटीज भी बहुत कम है जहाँ लोग मतलब परमानेंटली कुछ कर सकते हैं। पर फिर भी एक माहौल तो है, मतलब जो आप सबने बनाए हैं, तो हमारे जो सीनियर बुजुर्ग है उन्होंने जो बनाया है उसके आगे हम चलते रहे हैं। पर ये सीखना है और समझना है कि वो लोग कितने मतलब स्ट्रगल किए और कितना पेशेंस के साथ आज इस मकाम पे आए, ताकि हम इस रास्ते से चल सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, असल में मुझे ऐसा लगता है संजय कि धैर्य एक ऐसी चीज है इंसान के पास। धैर्य हो, माँ बाप पे, गुरु पे विश्वास हो, भगवान पे। हमारे यहाँ कहते हैं कि गुरु का स्थान भगवान से ऊपर है। हाँ, गुरु को मनन करो तभी आगे रास्ता मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात तो पूरा मानता हूँ। आजकल के मॉडर्न भी हूँ, पुराना भी हूँ, लेकिन मैं अपने उस वक्त को, उस तालीम को, उस सारी समस्याओं को हमेशा सुबह उठ के एक बार रिवाइज कर लेता हूँ कि कल क्या नौबत आएगी, आप तैयार रहो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि तैयार रहना चाहिए हर एक। देखो जो हमारे आइकॉन है वो तो हमारे आइकॉन ही रहेंगे ना। बिल्कुल। सफर कौन करता है? यंग जनरेशन। मैं ऐसे ऐसे जानता हूं, मैंने कथक केंद्र में रहते हुए भी देखा है, जब इंटरव्यू में आते हैं, बचपन का शौक था, हमारे यहाँ सुविधा नहीं थी, इसलिए कथक केंद्र में आए हैं आप लोगों से तालीम लेने। दो दिन तो तालीम लेते हैं, तीसरे दिन से वो ट्यूशनें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको खाने के लिए रोजगार चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो उसमें क्या हो जाता है कि जिस पर्पज से आए वो हो जाता है सेकेंडरी, और रोजगार हो जाता है प्रायोरिटी। हाँ, ये बात, ये संतुलन बना रखना बहुत ही मुश्किल है, पर बहुत जरूरी है, क्योंकि लेकिन इसके लिए मैं हमेशा कथक केंद्र में या संगीत नाटक अकेडमी में जब मैं कमेटी में था, तो मेरा हमेशा ये होता था कि जो भी विद्यार्थी आता है उसको एक ऐसा स्कॉलरशिप दिया जाए कि कम से कम 3 साल वो रोजगार के लिए ना भागे। उसको ये पता है कि हाँ मुझे 2 वक्त की रोटी का पैसा मिल रहा है, मुझे रहने का पैसा मिल रहा है, मुझे अपना लगन करना है। ये हमारे इंस्टीट्यूशन और सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे विद्यार्थियों को सपोर्ट करें ताकि ये कला बची रहे। नहीं तो क्या हो रहा है आजकल, आते हैं कथक, माइंड डाइवर्ट हो जाता है बॉलीवुड, हॉलीवुड, फोक डांस, ये डांस विचलित हो जाता है, तो वो दिशाहीन हो जाता है बच्चा। इसलिए क्या होता है कि वो परफेक्ट कहीं पे भी नहीं हो पाते। हमारे गुरु कहते थे बेटा एक नाव पे चल लो तो सही है, 2 नाव पे चलोगे तो ना इधर के ना उधर के। बिल्कुल, क्योंकि उनको तो ये भी ना, मुझे संस्था को ये चीज सोचनी चाहिए, जो भी संस्थाएं हैं कथक की या दूसरे आर्ट फॉर्म की, सभी आर्ट फॉर्म में है होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक इन लोगों का एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे कितने आर्टिस्ट हमारे बेचारे नहीं खा खा के रहे, कहां कहां पे पड़े हुए हैं, किसी को कोई पता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में जैसे संगीत नाटक अकेडमी है या और कोई इंस्टीट्यूशन है, एक वहां पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हाँ ये आर्टिस्ट बनने के लिए आया है या सीखने के लिए आया है, ताकि भगवान ना करे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो तो लिस्ट हो कि हाँ ये कलाकार हैं। अब जैसे एक अजीब सी बात है, इस लॉकडाउन में आपने भी देखा होगा, एक बहार आई आर्टिस्टों की। एक बहार मतलब जो बेचारा 4 दिन सीख रहा था वो भी सामने आ रहा है ऑनलाइन लेके, जो बेचारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो भी आ रहे हैं ऑनलाइन लेके,
सीखने वाले तो मुट्ठी भर हैं, माने एंडे बेंडे, मतलब जिनको खड़े होने का ढंग भी नहीं है वो भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि दो वक्त की रोटी चाहिए उनको भी। तो इसलिए मैं उस चीज को बुरे ढंग से नहीं कहूंगा, चाहे जैसे हैं अपने आप को सामने लाए, चाहे उल्टा बोले चाहे सीधा बोले, चाहे सम पे आए या ना आए, लेकिन उनका दो वक्त का ऊपर वाले ने रास्ता निकाल दिया है। लेकिन अब उन्ही चीजों को लेके अगर ये सुधर जाए और अच्छे ढंग से जो भी दिशा में जो भी कार्य कर रहे हैं उसका एक लक्ष्य बना ले, तो हर रोज एक नया स्टार पैदा हो सकता है। बिल्कुल, तो चलाना तो यंग जनरेशन को ही है। बिल्कुल, हम लोग तो देखो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। हम लोग की कोशिश यह है कि हमारे आइकॉन, हमारे जो आइकॉन ने देख के हम बने, हमें देख के दूसरे हमारे स्टूडेंट बने या बच्चे बने हमारे। ताकि देखो मैं एक चीज जानता हूं कि शागिर्दों से ही गुरु का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने पिताजी से मैंने सीखा। मेरे पिताजी कहते थे मैं बाप तुम्हारा बाद में हूं, तुम पहले मेरे शागिर्द हो। और पहले के वक्त में जब तक गंडा नहीं बांधते थे शागिर्द नहीं बनाते थे। आजकल गंडा बंद खत्म हो गया है क्योंकि लोगों ने दो दिन आया गंडा बंधवाया, मैं तो गंडा बन शागिर्द हूं। ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो वो तो एक जर्नी होता है। मतलब एक जैसे कि रिश्ते का जब नाता आते हैं तो उसमें ऐसे और विश्वास तभी, और एक तरह से नहीं होता है ना, दोनों तरह से ही आना चाहिए। बिल्कुल दोनों तरफ आना चाहिए। क्या होता है कलाकार बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कि मैंने 10 साल मेहनत किया मुझे मिला क्या। हाँ वही, ठीक है ना। लेकिन अगर इंसान ये सोच के चले कि मैंने मेहनत की मुझे फल क्यों नहीं मिला, जैसे एक दो उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि हमारे आदरणीय गुरु केलुचरण महापात्र जी काफी एज में आए, फिर जब आए तो एकदम पूरे विश्व में, ऐसे हमारे गायक में गुरु जितेंद्र अभिषेकी जी देवास से आए, क्या बात। वही तो, उनको कम मिला फल बाद में। बाद में, हाँ वही वही, मतलब वही पहले जो बात धैर्य, मतलब अपना जो साधना वो उसको पर, हाँ डेफिनेटली। तो इसीलिए जो अपना कमाई जो पेट भरना है वो बात तो सही है, बिना पेट भरे तो कुछ होता नहीं है, पर उसके वो कितना जरूरी है, क्योंकि हमारा काम अगर लक्ष्य है तो हमारा जो शरीर है वो भी वो साथ साथ चलने के लिए जो चाहिए बस वो चलता रहे तो मैं खुश हूँ, ये सोच के अगर चले तो ठीक है। अगर दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन शुरू कर दिया किसी ने तो मुश्किल है। देखो हर एक इंसान में अपनी क्वालिटी है। बिल्कुल, आप में आपकी क्वालिटी है, मेरे में मेरी क्वालिटी है, तीसरे में तीसरे की क्वालिटी है। बिल्कुल, लेकिन सब कर तो वही तत् का ही जाप रहे हैं ना। बिल्कुल, और क्योंकि अगर अभी आजकल के जो जमाना आ गए ना, तो जैसे आप बोल रहे थे कि आने आते हैं कथक सीखने के लिए, फिर जाके देखते हैं कि ये बॉलीवुड या फोक या कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, वो अगर अपने आप में संतुलन मतलब दिशा से ही रखे, ताकि जो क्यों करते हैं क्योंकि उसमें हो सकता है कि कमाई ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो लोग बॉलीवुड कर रहे हैं या जो फोक कर रहे हैं या जो मतलब कोई भी डांस कर रहे हैं उसमें उनका ज्यादा अर्निंग हो रहा है, तो ये उनका लक्ष्य है, या उनका लक्ष्य है मुझे कथक सही तरह से जो मैं सीखने के लिए आया हूँ इसको अच्छा से करे रियाज करे ताकि इसको लेके मैं आगे बढ़ सकता हूँ जितना भी आगे बढ़ सके। देखो दूसरी बात क्या है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं कथक सीखने दिल्ली में या कलकत्ता में या बॉम्बे में। इस टाइम तो दिल्ली गढ़ बना हुआ है कलाकारों का, जहां तक मुझे लगता है। आते हैं जिस प्रांत से आते हैं, सीखने के बाद वहां जाके उसका प्रचार प्रसार नहीं करते। हाँ ये मुश्किल, एक जगह जम गए तब, एक जगह ऑलरेडी 10,000 कलाकार है उसमें 5,000 और बढ़ गए तो रोजगार बढ़ गया। तो अगर वो अपने ही प्रांत में जाके इस चीज का प्रचार प्रसार करे और 4 पैसे कमाए, वो भी सुखी, इधर वाले भी सुखी,
वो भी प्रचार प्रसार में, ये भी प्रचार प्रसार में, अपने अपनी जगह, और मार्केट भी बढ़ता जा रहा है ना, तो हाँ बढ़ता फैलाव होता है कि भाई कथक आज पूरे विश्व में है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको और विस्तार करना है ना। मैं तो अपने स्टूडेंटों को कहता हूँ कि भैया आए हो सीखो, उसके बाद जाके अपने जगह जहां पे आए वहां जाके प्रचार प्रसार करो। दिल्ली में बहुत भीड़ है लेकिन हाँ। नहीं वहां गुरु की कुछ है नहीं, अरे बनाना है, नहीं। है नहीं तो बिल्कुल बनाना। दिल्ली में भी तो गुरुओं ने बनाया है ना, कलकत्ता में भी गुरुओं ने बनाया है। आज कलकत्ता के अंदर भी महाराज जी का जब से प्रचरण पड़ा कथक का इतिहास ही बदल गया। वही नहीं, ये मैं भी ये इसमें विश्वास करता हूँ कि जैसे कि कथक तो फॉर एग्जांपल ये तो था तो लखनऊ या जयपुर, मतलब इसी जगह में, या तो बनारस अगर घराना के हिसाब से बोले, पर दिल्ली में जब बड़े गुरु लोग आके रहना शुरू कर दिया ना, तो उनके पास सीखने के लिए चारों तरफ से लोग आना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से अगर कोई भी मतलब डांसर कहीं से भी वो शिक्षा ले और वो अपना जगह जाके अगर जगह बनाते रहे ना, वो उनका काम अगर अच्छा होगा तो लोग वहां आना जाना शुरू कर देंगे, उससे वो आगे बढ़ता है। आप मुझे एक चीज बताओ, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप भी तो अपने कलकत्ता में रह के अपना फील्ड बना रहे हैं ना। बिल्कुल, और कलकत्ता नहीं, मैं तो कलकत्ता का बाहर हूँ, सुनारपुर, ये कलकत्ता से थोड़ा बाहर है। तो आपने प्रचार प्रसार किया, शागिर्द बनाए जो आपके नाम को लेके चल रहे हैं आज पूरे जगह कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं लोग कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। और अगर आप कभी मैं जहाँ रहता हूँ ना, इसमें ये जगह अगर आएंगे तो पता चलेगा कि बिल्कुल डांस के लिए वो जगह नहीं है। मेरे घर में आने के लिए वन लेन ट्रैक है, मतलब दो गाड़ी मतलब ऐसे जा नहीं सकते हैं, फिर भी मैं इधर ही हूँ और ऐसे ही लोग आ रहे हैं, पूरा दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो इसे आप जो बोल रहे थे, इसमें मैं पूरा एक्सपीरियंस किया है कि ये सच है, ये अगर कोई करे तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और ऐसे ही लोग अगर अपनी अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे तो वो जगह तो खाली हो गई। हाँ, ये जगह भी खाली हो गई और दूसरी जगह जो जहाँ वो गए वहाँ ऑलरेडी एक भीड़ बढ़ गया और एक कॉम्पिटिटर बढ़ गया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा, आजकल मैं एक चीज और देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की एकेडमीज बन गई है, दिन में बच्चा सीख रहा है, शाम को अपना एकेडमी चला रहा है। ये बात सही, ऐसे भी हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूं उनको, मेरे ही पास आके सुबह सीखते थे और शाम को जाके क्लास लेते थे, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन उसके पीछे वही बात आ गई, रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल, फिर के हम कहीं पे भी जाएं आता है बात वही रोजगार पे कि दो वक्त का रोटी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अमूमन मैंने देखा कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि एजुकेटेड होते हैं, बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना नहीं है, 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, वो किसी ऑफिस में जॉब नहीं कर सकते क्योंकि उनका पूरा फोकस तो म्यूजिक एंड डांस में है, यही रोजगार बनेगा उनका। तो ये है, इसी प्रकार से चलता रहेगा, चलती रहेगी। और मुझे लगता है कि हर कलाकार के अंदर एका होना बहुत जरूरी है। आजकल शागिर्दों के पास ये राइट है, वो कहता है कि हम जो कर रहे हैं हमारा घराना सही है, वो गलत है, वो कहता नहीं वो झूठ बोल रहा है, हम जो कर रहे हैं ये सही है। स्टूडेंट्स के पास कभी कोई राइट नहीं होता इन चीजों को लेके बहस करने का, जब हमारे गुरुओं ने नहीं किया आज तक। मैंने सुंदर प्रसाद जी को देखा, पिताजी के पैर छूते थे, महाराज बिंदादीन जी के गंडावन शागिर्द थे, जब तक वो थे तब तक किसी ने कुछ नहीं बोला, अब बोलने लगा, अरे नहीं ये तो ऐसा ही है, मेरे पास प्रमाण है, मैं अगर बोलता हूं तो डंके की चोट पर बोलता हूं, विद प्रमाण बोलता हूं। और जो बिंदादीन महाराज की फोटो थी जब उनकी डेथ, एक बेड पे सुंदर प्रसाद जी, एक बेड पे महाराज बिंदादीन जी की तस्वीर, उस पर जब तक वो सुबह भोग ना लगा दे दवा तक नहीं खाते थे, बोले मैं कैसे कहूं मेरा गुरु भूखा रहेगा, ऐसी भी तो गुरु भक्ति है, अपनी आंखों से देखा हुआ है। मेरे को भी 50-52 साल हो गए इस फील्ड में, हर एक कलाकार को मैंने देखा है,
ठीक है, उन लोगों को देखा है, अच्छी हालत वालों को भी देखा है, बुरे से बुरे हालत वालों को भी देखा है। तो इसलिए ऊपर तो वाले को हमेशा सुबह शाम में प्रणाम करता हूँ कि भैया सही दिशा दिखाना भगवान, कोई चीज गलत ना हो मेरे से, ये गुरु की दी हुई विद्या में। बिल्कुल। अच्छा, आने वाले जो पीढ़ियां है उनके लिए, जैसे कि अभी लॉकडाउन में सब अटक गए, पूरा ऑनलाइन में आ गए, चाहे वो परफॉर्मेंस हो या सिखाना हो, सब कुछ अभी ऑनलाइन में हो गया, जैसे कि इसीलिए हम भी ये बातचीत करने का मौका मिला है, ये तो प्लस पॉइंट है ऑनलाइन का। पर फिर भी ये क्लासिकल डांस के लिए कितना, मतलब आगे आपको क्या लग रहा है कि अगर इसको ऐसे चलते रहे तो क्या क्या आपका विचार है कि ये चलने से क्या फायदा या तो नहीं? इसमें एक ही चीज है कि आप किस गुरु के पास से आप शिक्षा ले रहे हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन सिखाना आसान नहीं है। मैं भी लेता हूं ऑनलाइन क्लास, मेरे जो स्टूडेंट हैं वो भी लेते हैं। मैंने कहा ता हाफ सेकंड बाद वहां जाएगा, ता कहां गई ले। इसलिए ऐसा गुरु चुनना चाहिए कि आपको उस गैप के बीच का डिस्टेंस बता दे कि बेटा ये ता बड़ा है, तब तो फायदा है। हाँ, एज ए हॉबी टाइम पास कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक के लिए सही है ऑनलाइन। एडवांस इंटीग्रेसी तो मुश्किल, जब तक आमने सामने ना हो, तबला नगमा ना बजे, मूड ना बने, क्योंकि देखो हम लोग जो अपने गुरुओं से सीखे, गुरु के मूड पे डिपेंड करता था। ले बेटा आज ये परन सीख ले, हमने कभी गुरु को नहीं बोला कि एक परन सिखा दो। आजकल तो फरमाइश कर देते, अरे उस क्लास में तो सिखा दिया कीर्तक थुनथुन, यहाँ क्यों नहीं सिखाया। जैसे कीर्तक थुनथुन पे एक बात याद आ गई, एक हवा आई थी कीर्तक थुनथुन की चैलेंज, बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छा था, लेकिन उस बीच में कितना आदान प्रदान हुआ होगा, कीर्तक थुनथुन का कितना आदान प्रदान हुआ होगा। अगर आपने कुछ बोला मुझे अच्छा लगा, मैंने याद कर लिया, आपको मेरा अच्छा कुछ लगा तो आपके शागिर्द ने याद कर लिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब भी उस रचना को करो कम से कम बोलो तो सही, ये उनकी ईमानदारी की जो बात है, उसमें उन्नति होती है। बिल्कुल, नहीं तो ये तो हमारी तो हमने खुद बनाई है। अरे अगर तुमने खुद भी बनाई है तो गुरु की कृपा से बनाई है। बिल्कुल, अगर गुरु दिशा नहीं दिखाता कि ऐसे नहीं ऐसे बनता तो कैसे बना लेते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कथक किसी भी काम में अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आपको पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना होगा। बिल्कुल, आजकल हर घराने में हर एक जैसा नाच रहा है। नहीं नहीं, वो तो बात सही है, और इसीलिए मैं ये भी मानता हूँ, ताकि जैसे कि हम जब बातें करते हैं कि नहीं जो ट्रेडिशनल कथक है इसको कैसे रखना चाहिए, ये कैसा है, मेरे ख्याल से इसके साथ साथ ये भी, मतलब जो ट्रेडिशन जो है, मतलब फॉर एग्जांपल गुरु शिष्य परंपरा या जो, मतलब ये जो, ये भी तो ट्रेडिशन के ही अंदर है। कि है, लेकिन जब से ये इंस्टीट्यूट बन गए तब से वो कहने को गुरु शिष्य परंपरा है लेकिन है नहीं। स्टूडेंट ये सोचता है फीस दे रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब 24 आवर्स आप गुरु के साथ चिपके रहोगे। बिल्कुल, गुरु की हर मोमेंट पे आपकी नजर होनी चाहिए। हमने किया है अपने गुरु के साथ, महाराज जी के साथ हमने इतना काम किया, उनकी वो गर्दन घूमती थी, भैया चाय लाऊं क्या, मतलब ऐसी आदत हो गई थी भारतीय कला केंद्र में, इधर घूम, अच्छा पान पान खत्म हो गया, दौड़ के गए क्रॉड प्लेस पान लेके आ गए। तो गुरु को देखो वहीं से तो आपके अंदर जगने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आजकल 40 मिनट क्लास किया, गुरु जी नमस्ते, चल दिए, पैर भी छुए तो सैनिटाइजर से हाथ मोच के चल दिए, कोई नहीं कहता पैर छुओ, ये आपकी अपनी श्रद्धा है, वो शौक भी है।
नहीं बहुत ही अच्छा लगा, नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा एक मतलब जब आए आप आए तो बिना कुछ एक कुछ भी मतलब आशीर्वाद के तौर से सबके लिए कुछ भी एक कोई पढ़न टुकड़ा जो भी कुछ भी। एक बहुत पुरानी पढ़न है ये कहरवा छंद के हिसाब से करते ना, कहरवा छंद ऐसे। कहरवा के छंद। हाँ मैं भी अपना गुरु श्रीमती श्रीलेखा मुखर्जी, आपको पता ही तो है दीदी के बारे में, इस टाइप का सीखे थे बहुत ही। देखो कितने सुलेखा जी कितनी विद्वान हैं, अभी आपके साथ यहाँ कलाश्रम के प्रोग्राम में कमानी में आई थी। एक हाथ उठा देना ही अपने आप में पूरी पिक्चर दिखा देता है, इंसान का स्वभाव दिखा देता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि उनको अपने गुरु के हिसाब से मिला है एकदम 4 साल की उम्र से, और अभी भी वो बस चलता ही रहा है। और इसके जो मैं काम कर रहा हूँ इनके लिए भी उनसे आशीर्वाद मिला है, उनसे बात हर किसी कारण। वही बात आ गई ना, सही दिशा दिखाने वाले डे वन से मिल गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो पूरी बात का निचोड़ यही है, सही दिशा बिल्कुल, और विश्वास जो हमने अभी पूरा मतलब एकदम विश्वास जो हमने अभी इतनी देर तक बात की है, यही बात की है, सही दिशा दिखाने वाला, सही गुरु और पेशेंस। मेरा भी जैसे 40, 41, 42 इयर्स हो गया है उनके पास रहते हुए। बताओ, और अभी भी शिक्षा खत्म नहीं हुई है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हर रोज जैसे कि हमेशा टुकड़ा तोड़ा ही तो नहीं होता है ना, टुकड़ा तोड़ा के अलावा भी दूसरे कुछ भी तो सब कुछ होता है ना। और यहाँ पे क्या है, कर लिया सेवंथ ईयर, कर लिया एमए, कर लिया और बीए कर लिया, खत्म तालीम। और क्या ठीक है, ये जो आप कर रहे हो या हमने जो किया है वो सही मायनों में गुरु शिष्य परंपरा है, जो अभी आप भी मेंटेन कर रहे हो, मैं भी कर ही रहा हूँ। सच में मैं तो कभी गांडा नहीं बांधा हूँ, और मैं तो उनको गुरु भी नहीं, मैं उनको दीदी कहता हूँ, ताकि उनके बेटी को भी मैं दीदी कहता हूँ मतलब। पर वो श्रद्धा मन से होता है, वो सिर्फ गुरु कहने से तो नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, प्रणाम। तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे ख्याल से सबको जो इनके जो जर्नी था इनसे बहुत ही कुछ सीखने को लिए मिला है, और आगे हम सब ये बातचीत सबके साथ जारी रहेंगे, और इस सिलसिला में मतलब कुछ ना कुछ दिशा सबको मिलेगा। तो बस प्रणाम।